नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के डाउट सेशन लेक्चर में और मैं हूँ खुशबू साहू। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा डाउट पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस किया है और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस करना चाहते हैं या करने वाले हैं, वो जब भी हमारे वीडियो लेक्चर को देखे और वीडियो लेक्चर को देखते समय जब भी उन्हें कोई डाउट आए तो वो डाउट फोरम के माध्यम से वहाँ पर कमेंट करके अपने डाउट्स हमें बता सकते हैं और वो जितने भी डाउट्स होंगे उसे हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्या करेंगे, डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है उसे। तो सपना मिश्रा जी ने सवाल पूछा है कि मुरिया जनजाति के लोग जो ककसार नृत्य करते हैं, क्या ये वही नृत्य है जो कि अबूझमाड़ी जनजाति के लोग करते हैं? तो सपना मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुरिया जनजाति के लोग जो ककसार नृत्य करते हैं और अबूझमाड़िया जनजाति के लोग जो करसाड़ पर्व मनाते हैं, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। अब ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है वो हम देखते हैं। मुरिया जनजाति के लोग ककसार नृत्य करते हैं, ये क्या है? ये नृत्य है। जबकि अबूझमाड़िया जनजाति के लोग करसाड़ पर्व मनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देखते हैं। तो मुरिया जनजाति के लोग लिंगोपेन देवता की पूजा करके उनकी स्तुति में जब नृत्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ककसार नृत्य कहा जाता है, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस में। किसकी स्तुति में करते हैं? लिंगोपेन देवता की स्तुति में करते हैं। इस प्रकार से ये जो नृत्य है ये मुरिया जनजाति के लोगों का पूजा नृत्य है या फिर इसे हम मुरिया नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अबूझमाड़िया जनजाति के लोग करसाड़ पर्व मनाते हैं। देखिए दोनों के शब्द में भी भिन्नता है, ये ककसार है और ये क्या है? करसाड़ है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? तो अबूझमाड़िया जनजाति के लोग, उन लोगों का एक सामाजिक समारोह होता है, हम कह सकते हैं सोशल गैदरिंग होता है, सभी आपस में इकट्ठा होते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस में ये लोग क्या करते हैं? इस अवसर पर अपने गोत्रीय देव की पूजा करते हैं। गर्मी से लेकर वर्षा ऋतु तक के बीच में, माटी तिहार के बाद ग्रीष्मकाल से लेकर वर्षा ऋतु के बीच में ये करसार का फेस्टिवल मनाते हैं और अच्छी फसल की कामना के लिए ये क्या करते हैं? अपने गोत्रीय देव की पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन करसार पर्व में केवल इतना ही नहीं होता, इसके साथ साथ ही जो अविवाहित महिला और पुरुष होते हैं वो ग्रुप में डांस करते हैं और इस अवसर पर वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इस पर्व में क्या क्या होता है? अच्छी फसल की कामना के लिए ये लोग गोत्रीय देव की पूजा करते हैं और इस अवसर पर नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और इस डांस में क्या होता है? जो लोग होते हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से डांस तो दोनों अवसर पर होता है, पूजा भी दोनों अवसर पर होता है, लेकिन संबोधन की बात करें तो ये क्या है? ककसार एक नृत्य है और करसार एक फेस्टिवल है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मुरिया जनजाति का ककसार नृत्य है और ये जो अबूझमाड़िया जनजाति का करसार पर्व है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ पर लिंगोपेन देवता की पूजा की जाती है और यहाँ पर ये अपने गोत्री देव की पूजा करते हैं। यहाँ पर ये लिंगोपेन की स्तुति में नृत्य करते हैं और यहाँ पर जब ये नृत्य करते हैं तो मनोरंजन के लिए करते हैं और इस समय ये क्या करते हैं? अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सपना मिश्रा जी, मुझे लगता है
आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में जो डिफरेंस है उसे आप याद रखिएगा, ककसार और करसार, ये शब्द भी अलग अलग हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले डाउट पे। तो कुशाल टंडन जी का डाउट है कि नाचा और गम्मत में क्या डिफरेंस है। जब भी वो पढ़ते हैं तो उन्हें डाउट होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो हाँ, नाचा और गम्मत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, इवन कहीं कहीं नाचा को गम्मत मान लिया जाता है, लेकिन इनमें आंशिक भिन्नताएँ पाई जाती है। उसे हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भिन्नताएँ हैं जो कि नाचा और गम्मत में पाई जाती है। तो देखिए, दोनों छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य हैं, दोनों छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे हम देखते हैं। तो देखिए, इनके विषय की बात करें तो जो नाचा है उसमें अलिखित कथा प्रसंगों की प्रस्तुति की जाती है। क्या बताया मैंने? अलिखित कथा प्रसंगों की प्रस्तुति की जाती है, जबकि गम्मत में कृष्ण लीला का आख्यान किया जाता है। समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, जो नाचा होता है उसमें जो भी स्टोरी पेश किया जाता है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। ये खुद ही स्टोरी क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। अब ये स्टोरी कैसी होती है, तो ये इनके जीवन के सत्य की छोटी छोटी घटनाएं होती है, ये इनके आप बीती होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो उसे क्या करते हैं, स्टोरी में फॉर्म करते हैं और सामने जो पब्लिक होती है उसे बताने की कोशिश करते हैं। और इससे वो क्या करते हैं, जन जीवन को सही दिशा दिखलाने का काम करते हैं, ठीक है। जबकि गम्मत में क्या किया जाता है, कृष्ण लीला का आख्यान किया जाता है, और कृष्ण लीला के माध्यम से ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो विषमताएँ हैं, जो व्यवस्थाएँ हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं ये। सामाजिक कुरीतियों का मतलब समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना, नशाखोरी, जुआ, ये जितने भी बुराइयाँ हैं उस पर ये व्यंग कर रहे हैं, जो पाखंड है उस पर व्यंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो भी बुराइयाँ हैं उसे दूर कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पर भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो भी बुराइयाँ हैं उसे दूर किया कैसे जा सकता है। स्टोरी के फॉर्म में दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इसका आधार अलग अलग है। यहाँ पर स्टोरी कैसी है, रिटन फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर इनके जीवन के सत्य की छोटी छोटी घटनाएं हैं, जबकि यहाँ पर स्टोरी कैसी है, कृष्ण लीला की स्टोरी है, मतलब यहाँ पर कृष्ण लीला का आख्यान किया जा रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंस और मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कृष्ण की स्टोरी होती है और यहाँ पर किसकी होती है, जो आम जन जीवन है उनकी स्टोरी होती है, ठीक। दूसरा डिफरेंस पार्टिसिपेशन, यहाँ पर पुरुष, वैसे तो केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती है, तो महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती है और कहीं कहीं करती है देवार जाति की महिलाएं, लेकिन यहाँ केवल और केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये कि आयोजन, इसका जो आयोजन होता है वो केवल एक रात्रि के लिए होता है, जबकि गम्मत का आयोजन एक से अधिक रात्रि के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि एक से अधिक रात्रि के लिए ही होता है, मैंने ये कहा कि एक से अधिक रात्रि के लिए किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बताया मैंने, इसका आयोजन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है और इसका आयोजन एक से अधिक रात्रि के लिए भी किया जा सकता है, ठीक। तो अभी तक हमने तीन डिफरेंस देखा। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें तो लोक नाट्य में क्या क्या होता है, गायन, वादन, नृत्य और प्रहसन होता है, ठीक है। तो नाचा में तो वैसे तो एक ही शैली होती है, जहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, वहाँ पर नृत्य भी किया जाता है, वादन भी किया जाता है, गायन भी किया जाता है और प्रहसन भी किया जाता है। प्रहसन में जो मुख्य भूमिका होती है वो जोकर और परी की होती है। जोकर निगेटिव रोल में होता है और जो परी होती है वो लीड करती है, और इन दोनों की बीच की जो बातें होती है, जो ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो प्रहसन का मेन भाग होता है। हास्य प्रधान इन लोग बातें करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे जो पब्लिक होती है वो हंस हंस के लोटपोट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि नाचा की एक ही शैली होती है, जहाँ पर क्या होता है, मंचन किया जाता है, गीत गाया जाता है, वादन किया जाता है, नृत्य किया जाता है और एक्टिंग की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मेन रोल किसका होता है, जोकर और परी का होता है। परी जो होता है वो पुरुष ही होता है जो महिला का पात्र प्ले करता रहता है, ये लीड करता है, और ये जो जोकर होता है ये निगेटिव रोल में होता है, विदूषक की भूमिका निभाता है। तो ये दोनों लीड करते रहते हैं,
इन दोनों की जो बातें होती है वो हास्य प्रधान होती है। लेकिन गम्मत में दो शैलियाँ होती है, एक तो बैठे गम्मत और दूसरा खड़े गम्मत। ठीक है, खड़े गम्मत तो नाचा के जैसा ही होता है, मतलब कि इसमें भी गीत होता है, गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है और प्रहसन होता है। लेकिन जो बैठे गम्मत होता है उसकी शैली ऐसी होती है जिसमें केवल और केवल गायन और वादन किया जाता है। बैठे गम्मत के प्रणेता बाबू रेवाराम जी को माना जाता है और इसीलिए बैठे गम्मत को रतनपुर या गम्मत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि नाचा की केवल एक ही शैली होती है जबकि गम्मत की दो शैलियाँ होती है, खड़े गम्मत और बैठे गम्मत। और एक आखिरी डिफरेंस ये है कि गम्मत जो है वो नाचा का एक छोटा रूप है, आप ये कह सकते हैं। नाचा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जाता है, जो पार्टिसिपेशन होता है वो गम्मत की अपेक्षा ज़्यादा लोगों का होता है। यहाँ पर नाचा की एक मंडली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नाचा पार्टी कहते हैं। जैसे कि रामचंद्र देशमुख की चंदनी गोंदा, दाऊ महासिंह चंद्राकर की सोना बिहान, ममता चंद्राकर की चिन्हारा नाचा पार्टी, तो इस प्रकार से इनकी एक नाचा पार्टी होती है जिसका ये क्या करते हैं, मंचन करते हैं। लेकिन गम्मत नाचा का एक छोटा रूप है ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंस देखा नाचा और गम्मत में। सिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये आप याद रखिएगा। अगर आप ये डिफरेंस याद रखेंगे तो कभी भी आप नाचा और गम्मत में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले डाउट पे। विशाल कश्यप जी का डाउट है कि तत्ववाद्य यंत्र किसे कहते हैं। तो विशाल कश्यप जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है उसे तत्ववाद्य यंत्र कहा जाता है। जनजातीय अंचल में जो भी लोकवाद्य बजाए जाते हैं उन्हें संगीत शास्त्र की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। पहला तत्, दूसरा वितद, तीसरा घन और चौथा सुशील। अब इनमें डिफरेंस क्या है जान लेते हैं, चूंकि हम तत्ववाद्य यंत्र पढ़ ही रहे हैं तो इनमें डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो तत्ववाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है जिसे तार की सहायता से बजाया जाता है, जैसे कि धनकुल या इकतारा। धनकुल, आपको पता है कि मटका, सूपा और धनुष, इन तीनों से मिलकर बना होता है ये वाद्य यंत्र। और जो धनुष का तार होता है उस तार की सहायता से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है पूजा के अवसर पर। जो तत्ववाद्य यंत्र है इसे स्पेशली पूजा के अवसर पर बजाया जाता है या जब संगीत, शास्त्रीय संगीत होती है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, वितद्वाद्य यंत्र क्या होता है, तो किसी मजबूत खोखले आधार के एक सिरे पर या फिर दोनों सिरे पर चमड़े को मढ़ा जाता है और उस सिरे को बजाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या बताया मैंने, किसी मजबूत खोखले आधार के एक सिरे पर या फिर दोनों सिरे पर चमड़े को मढ़कर उस सिरे को बजाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो एक मुखी और दूसरा द्विमुखी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो ऐसे वितत वाद्य यंत्र जिनके एक सिरे पर चमड़े को मढ़ा जाता है उसे एकमुखी कहते हैं और जिसके दोनों सिरे पर चमड़े को मढ़ा जाता है उसे द्विमुखी कहते हैं। एकमुखी वितत वाद्य यंत्र आप टिमकी ले सकते हैं, नगाड़ा है, उसी प्रकार द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, मांदर है। तो इस प्रकार से वितत वाद्य यंत्र को बजाया जाता है या तो एक तरफ से या तो दोनों तरफ से। घन वाद्य यंत्र की बात करें तो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें आघात करके बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। लेकिन आघात कैसे किया जाता है, वो दोनों पार्ट इंस्ट्रूमेंट से ही होते हैं, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जब आघात करके बजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे कि घंटी है, करताल है, तो इस प्रकार से ये घंटी करताल क्या है, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है जैसे कि बांसुरी, अलगोजा, तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो आपने क्या जाना, तत्ववाद्य यंत्र जिन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है, वितत वाद्य यंत्र जिन्हें जो मढ़ा हुआ चमड़े का पोषण होता है उससे बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र जिन्हें आघात करके बजाया जाता है और सुशील वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले डाउट पे। पूजा पटेल का डाउट है कि उड़हरिया विवाह किसे कहते हैं। तो पूजा पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उड़हरिया विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसे सह पलायन विवाह भी कहते हैं। जब लड़का और लड़की के माता पिता विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो लड़का और लड़की पलायन कर जाते हैं और विवाह कर लेते हैं।
और बाद में जो उनके माता पिता होते हैं वो उन्हें वापस बुला के स्थायी रूप से उनका विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस विवाह को क्या कहा जाता है, उड़हरिया विवाह कहा जाता है। लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है, जनजातीय अंचल में इस विवाह को क्या कहते हैं, उड़हरिया विवाह कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, सहपलायन विवाह है। सहपलायन मतलब कि लड़का और लड़की साथ में पलायन कर जाते हैं, ठीक है। क्यों कर जाते हैं, जब उनके माता पिता विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं तो वो साथ में पलायन करके विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जितने भी डाउट्स थे हमें बताए गए थे उसे मैं क्लियर करने की कोशिश की हूँ। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें जो भी आपके द्वारा और जो डाउट्स दिए जाएंगे उसे हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहे हैं और अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने के लिए। हाँ अभी ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हैं लेकिन आपके पास दूसरा माध्यम भी तो है तैयारी करने के लिए। या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या तो फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं या तो यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को रोकिए मत, बहुत ही अच्छा समय है तैयारी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। जो स्टूडेंट्स हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस किए हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि सिर्फ परचेस करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बैठ के वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा, आपको वहाँ से ज्ञान लेना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल कोर्स को ले सकते हैं, वीडियोस देखिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमें बताइए, डाउट फोरम के माध्यम से कमेंट के थ्रू आप हमें बताइए, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि जिस दिन ये लॉकडाउन हटेगा उस दिन डायरेक्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, आपको तैयारी करने के लिए कोई भी समय नहीं मिलेगा। तो ये जो अवसर मिला है आपको उसे आप यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो आज का जो लेक्चर है वो बस हम यही समाप्त करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के द्वारा बहुत सारे डाउट्स हमें भेजे जाएं जिसे हम यहाँ पर क्लियर कर पाएं। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।